हेलो बच्चों, माई सेल्फ विजय सर फ्रॉम भिवानी पब्लिक स्कूल एंड टुडे वी विल डिस्कस 11th क्लास का जो अभी पेपर हुआ CBSE का 23rd को, टुडे वी विल डिस्कस। सो स्टार्ट, पहला जो था, व्हाट इज द मास ऑफ वन मोलिक्यूल ऑफ O2। वन मोलिक्यूल ऑफ O2 का मास निकालना है, एक ही मोलेक्यूल का निकालना है। तो आप कैसे करेंगे कि वन मोल ऑक्सीजन होता है, वन मोल ऑक्सीजन होता है हमको जो सब डिस्कशन करते हैं मोल के हिसाब से करते हैं। मान लो वन मोल ऑक्सीजन होता है O2, बराबर, तो उसके अंदर कितने ग्राम होते हैं, तो इसका मोलेक्यूलर मास निकालते हैं, 16 × 2 = 32 आ जाएगा, 32 ग्राम, 32 ग्राम होता है। और उसके उसके अंदर मोलेक्यूल्स कितने होते हैं, तो क्या वन मोल में कितने मोलेक्यूल्स होते हैं, 6.022 × 10⁻²³, इतने मोलेक्यूल्स होते हैं। तो इतने मोलेक्यूल्स का वेट दिया हुआ है इतना है, तो एक का कितना हो जाएगा, तो इतने मोलेक्यूल्स का, इतने मोलेक्यूल्स का वेट कितना दिया हुआ है, 32 ग्राम, तो एक का कितना हो जाएगा, निकाल लीजिए आप, 32 ÷ 6 × 10⁻²⁷, ऊपर चला गया, नीचे था तो ऊपर चला गया, −23 गया, 5 से कटा, 2 बचे, 3 से कटा, 5.3 × 10⁻³⁰ ये आ गया, ऐसा ये आंसर आ गया, बराबर है। दूसरा देखते हैं, तो डिटेक्शन ऑफ ईच एलिमेंट लेस एंड टेस्ट यूज, हमको मालूम है तीनों के लिए लेस एंड टेस्ट हम यूज करते हैं, तो ये भी सही हो गया। थर्ड वन, हाइड्रोजन को तोड़ना है, वी हैव टू ब्रेक द हाइड्रोजन मोलेक्यूल, ऐसा होता है, बॉन्ड को ब्रेक करते हैं, बॉन्ड यहाँ से जब ब्रेक करते हैं तो क्या होता है, हीट, इतनी हीट वी हैव टू सप्लाई, बॉन्ड ब्रेक करने के लिए हीट सप्लाई करनी पड़ती है, क्योंकि पॉजिटिव है ना, डेल्टा ही पॉजिटिव है, मतलब सप्लाई करनी पड़ती है। एंथैल्पी चेंज इज नोन, इसको क्या बोलते हैं, तो एटम में कन्वर्ट हो जाता है तो एटोमाइजेशन भी बोलते हैं, एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन भी बोलते हैं, और बॉन्ड को तोड़ते हैं, दोनों करते हैं, तो ये दोनों सही हो जाएंगे, मतलब ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं, Mg+2 इज आइसो इलेक्ट्रॉनिक विथ, Mg+2 में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 10 इलेक्ट्रॉन होते हैं भाई, तो इसमें भी 10 इलेक्ट्रॉन होते हैं, दोनों में इलेक्ट्रॉन सेम है, मतलब आइसो इलेक्ट्रॉनिक, मतलब क्या, सेम इलेक्ट्रॉन हो गया। 4 सवाल हुए, नेक्स्ट पेज पे जाते हैं। दूसरा मतलब 5th सवाल करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5th देखते हैं, एंथैल्पी ऑफ कंबुशन ऑफ मीथेन, मीथेन की एंथैल्पी ऑफ कंबुशन निकालनी है हमें, बराबर है, सॉरी द एंथैल्पी ऑफ कंबुशन ऑफ मीथेन ग्रेफाइट मीथेन ग्रेफाइट एंड डाइहाइड्रोजन आर गिवन, ये तीनों हमको दी हुई है, बराबर है। एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ CH4 निकालनी है, क्या निकालना है, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ CH4, तो CH4 का फॉर्मेशन कैसे होता है, कहाँ से होता है, कार्बन में से होता है प्लस हाइड्रोजन में से होता है, फॉर्मेशन का इक्वेशन लिख लिया हमने, इसे फॉर्मेशन होता है, इस रिएक्शन का डेल्टा एच हमें निकालना है, बराबर, इस रिएक्शन का डेल्टा एच हमें निकालना है।
तो हमारे पास क्या क्या डेटा है, कंफ्यूजन का डेटा है कि मीथेन को अगर हम कंफ्यूज कराएंगे इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन कंप्लीट कंबर्शन हो जाता है, CO2 गैस प्लस पानी मिलता है, तो उसका डेल्टा एच हमें दिया हुआ है। जो भी डेटा दिया हुआ है इट इज गिवन माइनस 890 किलो जूल में दिया हुआ है। सब डेटा ऑल डेटा आर गिवन इन किलो जूल। सेकंड थिंग इज दैट ग्रेफाइट, ग्रेफाइट मतलब कार्बन ही होता है, ग्रेफाइट होता है क्योंकि वही स्टैंडर्ड होता है, CO2 उसमें से CO2 बनेगा, C+O2CO2, उसका डेल्टा एच भी हमें दिया हुआ है, कितना है -393। पॉइंट फाइव को हटा देते हैं, पॉइंट वाले को हटा देते हैं, पॉइंट नहीं लिखेंगे, ये भी किलो जूल ही है, सब किलो जूल में डेटा दिया हुआ है। लास्ट वन हाइड्रोजन का, जो हाइड्रोजन होता है उसका भी कंफ्यूजन कराते हैं, तो जब पानी बनता है एक मोल हाइड्रोजन को जलाते हैं तो कितना पर मोल के लिए होता है, हाइड्रोजन का कितना है पर मोल के लिए होता है, माइनस 286 ले लो, 286 बराबर है। तीन इक्वेशन बने, इसको मान लो मैं डेल्टा एच वन बोल दूँ, इसको डेल्टा एच टू बोल दूँ, इसको डेल्टा एच थ्री बोल देता हूँ। अब ये तीनों इक्वेशन को कैसे करेंगे कि ये इक्वेशन बन जाए, बराबर तीनों इक्वेशन को क्या करेंगे कि ये इक्वेशन बन जाए, हेज लॉ का यूज करना होता है हमें। तो हम देखते हैं C+O2CO2, तो C तो मतलब हमें चाहिए, लेफ्ट हैंड साइड ही चाहिए C, तो सब बराबर है। हाइड्रोजन चाहिए, बराबर है, हाइड्रोजन भी हमें चाहिए, कौन सी साइड, राइट हैंड साइड ही चाहिए, यहाँ बैलेंस करना पड़ेगा टू हाइड्रोजन, दो मोल हाइड्रोजन चाहिए, तो इसको दो से मल्टीप्लाई कर लेंगे, और CH4 हमें चाहिए राइट हैंड साइड में, इधर लेफ्ट हैंड साइड से, तो इसको घुमा देंगे, उल्टा कर देंगे, उल्टा करेंगे तो इसकी साइन बदल जाएंगी, मतलब ये ऐसे ही रहेगा, इसको दो गुना करेंगे और इसको उल्टा करेंगे, इसका जो जवाब आ जाएगा ये होगा फाइनल जवाब हमारा, इस रिएक्शन का डेल्टा एच वो आ जाएगा। आप कैलकुलेशन कर लोगे तो आपको पता चल जाएगा, यस ही आंसर आता है, ऐसे हो जाता है, कैलकुलेशन कर लोगे तो पता चल जाएगा इट इज -74 के आसपास जवाब आ जाएगा किलो जूल, हेज लॉ का यूज करके हमने किया। हेज लॉ का यूज किया हमने। अब उसके बाद सिक्स्थ देखते हैं, सिक्स्थ क्वेश्चन, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एस्टैब्लिश दैट लाइट, तो लाइट के फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट से हमें क्या पता चला, लाइट बिहेव लाइक पार्टिकल्स, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट से ही हमें पता चला कि लाइट बिहेव लाइक पार्टिकल, तो उसमें यह सही हो जाएगा। इसके बाद वाला सेवन देखते हैं, द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ -1/2 इज असाइन टू ऑक्सीजन एटम, इसमें -1/2 होता है ऑक्सीजन का, किसमें सुपर ऑक्साइड में -1/2 होता है, क्योंकि सुपर ऑक्साइड किसे बोलते हैं, KO2, उसमें K का +1 होता है, O2 का -1 होता है, तो एक O का -1/2 हो जाता है। ऐसे हाइब्रिडाइजेशन,
मीथेन में हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, sp3 होता है, ये क्या है इथिन, डबल बॉन्ड एक पाई बॉन्ड आ गया है, तीन ही सिग्मा बॉन्ड बनाया है तो sp2 हो जाएगा। इसमें C2H2 में क्या होता है, ट्रिपल बॉन्ड होते हैं, तो इसने दो ही सिग्मा बॉन्ड बना रखे है, एक और एक, दो सिग्मा बॉन्ड है, लोन पेयर कोई है नहीं, तो sp हो जाएगा, क्योंकि तो z कितना आएगा, 2 आएगा, जेड कितना आएगा 2, तो sp हाइब्रिडाइजेशन, तो ये सही हो जाएगा। नाइन्थ क्वेश्चन देखते हैं, नाइन्थ क्वेश्चन देखते हैं, इफ डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन इज 3, देन कंपाउंड शोज डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन DU। डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन क्या होता है, तो नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स, नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स इन कंपाउंड, सब पाई बॉन्ड को गिनने का है, प्लस नंबर ऑफ रिंग्स, कितनी रिंग है, कितनी रिंग्स है, नंबर ऑफ रिंग्स, दोनों का प्लस करने का है, नंबर ऑफ रिंग्स। तो हमें DU पता चलता है, तो इफ द डिग्री ऑफ DU कितना दिया हुआ है, 3, तो मतलब इन दोनों का टोटल कितना आना चाहिए, 3 आना चाहिए। 3 किस में आएगा, 1 डबल बॉन्ड एंड 2 रिंग्स, एक डबल बॉन्ड है, एक डबल बॉन्ड है तो एक पाई बॉन्ड होगा, 2 रिंग हो जाएगी तो 3 आ जाएगा, तो यही सही हो जाएगा। 1 रिंग एंड 2 डबल बॉन्ड्स, दो डबल बॉन्ड होते हैं तो उसमें 2 पाई होते हैं, तो 2 पाई आ जाते हैं, प्लस 1 रिंग हो गया तो भी वो भी 3 आ जाएगा। 1 ट्रिपल बॉन्ड एंड 1 डबल बॉन्ड, 1 ट्रिपल बॉन्ड एंड 1 डबल बॉन्ड, तो उसमें भी 3 आ जाएगा, तो सब सही हो जाएगा, कोई रिंग भी नहीं है तो तीनों में 3 आ जाएगा। ये ऐसा देख के सीधा नहीं मानने का है, और दूसरे भी चेक करने थे, ऐसे बहुत फंस जाते हैं तो गलती हो जाती है। तो सबका डी आंसर आएगा, मतलब सब में 3 ही आते हैं, बहुत फास्ट करते हैं तो फिर गलती हो जाती है, जो कि पहला देख के ही मार दिया था मैंने भी, यही है, ये सुबह सब किए तब पता चला, ऐसा नहीं है पहला देख के सीधा मार दो, ऑल ऑफ दिस ऐसा कुछ लिखा है, ANB ऐसा कुछ लिखा है, वो भी देखना होता है हमें। करेक्ट IUPAC नेम ऑफ इसका, भाई ये गलत है तो सही कौन सा होगा, 2-ethyl propane पहले लिखते हैं, ये प्रोपेन बनाते हैं, उस पे इथाइल जुड़ा हुआ है, 2 पे इथाइल ऐसा होता है, बराबर, बाकी कम हाइड्रोजन की लिखने की जरूरत नहीं है। तो 2-ethyl propane, तो नंबर ऑफ कार्बन की चेन कितनी हो जाएगी, 1-2-3-4 कार्बन की हो जाएगी, और 2 पे मिथाइल आएगा, इस तरफ से नहीं ले सकते हो क्योंकि 1-2-3 पे मिथाइल आएगा, तो इस तरह से नंबर देंगे, वी विल स्टार्ट नंबरिंग फ्रॉम दिस साइड, देन CH3 मीन्स मिथाइल ग्रुप इज कम ऑन सेकंड कार्बन, तो इसका सही नाम हो जाएगा 2-methyl butane, 2-methyl butane ढूंढ लो, ये सियर है, 2-methyl butane सही हो जाएगा। 11th, मैक्सिमम एंट्रोपी, किसमें मैक्सिमम एंट्रोपी होती है, ये वेपर मतलब गैस होता है, ये सॉलिड होता है, स्नो मतलब सॉलिड होता है, ये लिक्विड होता है, आइस भी सॉलिड होता है, आप जानते हैं गैस की, गैस में एंट्रोपी सबसे ज़्यादा होती है, क्योंकि वो जगह ज़्यादा जगह में घूमता है, रैंडमनेस ऑफ पार्टिकल्स आर ग्रेटर इन गैस, That's why entropy in gas are more. 12th. Which of the following is less reactive than benzene? Less reactive.
बेंजीन से लेस रिएक्टिव, और बेंजीन रिंग है कोई भी, अब उसके साथ कोई ग्रुप जुड़ा हुआ है, बराबर है, कोई ग्रुप जुड़ा हुआ है। अगर ऐसा ग्रुप है जो इलेक्ट्रॉन को खींच ले तो इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी कम हो जाएगी तो लेस रिएक्टिव हो जाता है। कौन सा ग्रुप डालेंगे, मान लो NO2 ग्रुप डाल दिया, तो हमको मालूम है NO2 क्यों डाला, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होता है। NO2 इज इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, जो इलेक्ट्रॉन को खींचता है अंदर से, तो नेगेटिव चार्ज यहाँ कम होता है, तो जुड़ने के लिए तो कौन आता है, इलेक्ट्रोफाइल। नेगेटिव चार्ज कम है तो वो मतलब फास्ट नहीं ज्वाइंट हो जाए हो पाएगा। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम कर देंगे तो रिएक्टिवनेस इसकी कम हो जाती है, नाइट्रोबेंजीन कम करता है। ब्रोमोबेंजीन होता मान लो ब्रोमोबेंजीन होता है, वो क्या करता है वो भी आप सोचना। इसके अंदर फिर ये एनिलीन में क्या होता है, एनिलीन मतलब NH2 ग्रुप होता है, आपको मालूम है एनिलीन के पास लोन पेयर होते हैं, तो लोन पेयर वो तो अंदर देता है क्योंकि इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है। वो कैसा है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन देता है, तो रिंग के अंदर इलेक्ट्रॉन बढ़ाता है, तो ये तो फटाफट रिएक्ट करता है, क्योंकि नेगेटिव चार्ज की जो डेंसिटी है ऑर्थो पेरा और मेटा पे, सॉरी ऑर्थो और पेरा पे, वो बढ़ा देता है। मेटा पे भी बढ़ाता है लेकिन कम बढ़ाता है, ज़्यादा इधर ही बढ़ाता है, मतलब वो रिएक्टिव ज़्यादा हो जाता है। खींचते हैं देते हैं तो रिएक्टिविटी बढ़ती है, खींचते हैं तो रिएक्टिविटी कम होती है। मतलब बेंजीन के साथ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग कोई भी ग्रुप जुड़ा हो तो रिएक्टिविटी कम हो जाती है। ब्रोमो बेंजीन भी देख लेना आप, वो सब कैसे काम करते हैं। 12, 13 देखते हैं, साइक्लोहेप्टाट्राइनाइल कैसा होता है। हेप्टा मतलब सात होते हैं, सेवन कार्बन हमें ड्रॉ करने हैं, सेवन की रिंग है, कितने की रिंग है, हेप्टा मतलब सात की रिंग है, बराबर हो गई सात की रिंग, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 की रिंग हो गई। हेप्टा उसमें ट्राइन, तीन जगह पर डबल बॉन्ड है, कहीं पर भी रख दो, कहीं पर भी रख सकते हो आप। ट्राइन मतलब उसकी फिक्स जगह रख दो, कोई जरूरत नहीं है। अल्टरनेटिव ट्रिपल पाई बॉन्ड होते हैं, तीन बार कहीं पर भी रख दो, जो जगह बची जिस कार्बन के साथ पाई बॉन्ड नहीं है वो कैसा है, कैटायन कैसा है, पॉजिटिव है। मतलब यहाँ के उसने किसी के साथ बॉन्ड बनाया था, वो दोनों इलेक्ट्रॉन ले, बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन लेकर चला गया है, मतलब वहाँ वैकेंट ऑर्बिटल है। अब साइक्लोहेप्टाट्राइन इज एरोमेटिक, पहला वो दिया हुआ है, पहले चेक करते हैं एरोमेटिक है कि नहीं, तो एसर्टेन इज करेक्ट और नोट हमें पता चलेगा। तो एरोमेटिसिटी कैसे चेक करते हैं, साइक्लिक है तो क्या भाई साइक्लिक तो है, फिर दूसरा क्या चेक करते हैं, ऑल कार्बन सारे sp2, तो क्या पाई बॉन्ड वाले तो सब sp2 होते ही है, ये भी sp2 है देख लो, बराबर, तो ऑल कार्बन सारे sp2 मतलब प्लानर भी है। कॉन्जुगेशन देखते हैं, पाई सिग्मा पॉजिटिव, पॉजिटिव सिग्मा पाई, मतलब कॉन्जुगेशन भी कंप्लीट कॉन्जुगेशन है, पूरे जो ये छः इलेक्ट्रॉन है पाई, तीन पाई बॉन्ड के टोटल जो छः इलेक्ट्रॉन है वो लूप में गोल गोल घूमेंगे, छः
इलेक्ट्रॉन घूमेंगे तो वो एरोमेटिक हो जाएगा, क्योंकि 4n+2 जो यूकेल का रूल है उसको फॉलो करता है, तो ये एरोमेटिक हो जाएगा। उसका रीजन दिया हुआ है कि एरोमेटिक मॉलिक्यूल्स है वो हाई थर्मोडाइनेमिक स्टेबिलिटी, तो कोई भी एरोमेटिक बनता है तो थर्मोडाइनेमिक स्टेबिलिटी बढ़ जाती है, क्योंकि उसकी कुछ एनर्जी वो रिलीज कर देता है, इसे रेजोनेंस एनर्जी बोलते हैं। तो कोई भी एरोमेटिक बनता है तो उसकी एनर्जी कम हो जाती है, थर्मोडाइनेमिकली ज़्यादा स्टेबल बन जाता है, वो सही बात है, मतलब ये दिस इज ऑल्सो राइट। तो अब देखते हैं ए एन बी आर ट्रू, दोनों सही है, यहाँ भी लिखा हुआ है दोनों सही है, क्या करेक्ट एक्सप्लेनेशन है कि नहीं वो देखते हैं। साइक्लोहेप्टाइल ट्राइनाइल कैटायन इज एरोमेटिक बिकॉज, एरोमेटिक मॉलिक्यूल्स है वो, बिकॉज बीच में लगा के हम पढ़ते हैं तभी हमें पता चलता है। तो भाई थर्मोडाइनेमिक स्टेबिलिटी की वजह से ये कोई एरोमेटिक नहीं हो रहा है, मतलब ये इसका कोई रीजन नहीं है, बोथ आर इंडिपेंडेंटली राइट बट आर इज नॉट रीजन फॉर ए, आर इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन। ओके तो बी सही हो जाएगा। 14th करते हैं, एसिटिलीन इज मोर एसिडिक देन इथिलीन, एसिटिलीन मतलब सी ट्रिपल बॉन्ड ऐसा, एसिटिलीन हो गया, इथिलीन में डबल बॉन्ड होता है, इथिलीन बराबर है उसमें डबल बॉन्ड होता है। तो एसिटिलीन क्या इससे ज्यादा एसिडिक होता है, तो कहिए मालूम है हमको, कैसे एसिडिटी कैसे चेक करते हैं हम, एच निकालते हैं, एच यहाँ से गया, एच को निकालेंगे, तो एच जहाँ से निकला वहाँ नेगेटिव चार्ज आ जाता है, एच प्लस निकला मतलब एसिड मतलब क्या, उसने एच प्लस निकाला, एच प्लस गया, जो एच प्लस ज़्यादा देता है वही एसिड कहलाता है, इसने भी एच प्लस दिया, इसने भी एच प्लस दिया, तो यहाँ नेगेटिव चार्ज ज़्यादा स्टेबल होता है, क्यों, यहाँ एस पी कैरेक्टर मतलब एस कैरेक्टर ज़्यादा होता है, क्योंकि कितनी 50% एस कैरेक्टर है, एस का 50 है, पी का 50 है। यहाँ आप देखेंगे कौन सा हाइब्रिडाइजेशन था, एस पी टू था, तो एस कैरेक्टर 33% होता है, मतलब एस कैरेक्टर ज़्यादा होता है तो नेगेटिव चार्ज को न्यूक्लियस की तरफ ज़्यादा खींच के रखता है, तो ये नेगेटिव चार्ज स्टेबल होता है, इससे ज़्यादा स्टेबल होता है, तो ये स्टेबल होने की वजह से एच प्लस ज़्यादा देता है, इसलिए ये सही है। इसी डीन एज एस पी कैरेक्टर कार्बन एंड देयरफॉर एस, देयरफॉर मोस्ट एस कैरेक्टर, ये इसका सही रीज़न है, जो मैंने समझाया वैसे ही हुआ, बोथ आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, सही है। अगला देखते हैं, नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। फिफ्टींथ देखते हैं, एटम इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, तो सब एटम इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल ही होते हैं, पॉजिटिव हो गया नेगेटिव हो गया तो उसको हम आयन बोलते हैं, एटम नहीं बोलते। तो कोई भी एटम होता है, कोई भी एटम मान लो कार्बन ले लो, तो उसमें छः अगर इसके अंदर छः प्रोटॉन है, जितना पॉजिटिव चार्ज है उतने ही इलेक्ट्रॉन होते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव टोटल करो तो जीरो हो जाता है, टोटल चार्ज जीरो, तो ऑल एटम्स आर इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, तो सही हो, सही बात है, सही हो गया।
रीजन क्या हुआ दिया है, इन न्यूट्रल पार्टिकल, कोई भी न्यूट्रल पार्टिकल है, न्यूट्रॉन इज प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस, तो सब में न्यूक्लियस तो होते ही, सब में न्यूट्रॉन तो होते ही है, ये हाइड्रोजन के सिवा सब में न्यूट्रॉन होते हैं, तो इन न्यूट्रल पार्टिकल न्यूट्रॉन इज प्रेजेंट इन न्यूक्लियस ऑफ द एटम, वो बात सही है, ये बात सही है, लेकिन ये इसका एक्सप्लेनेशन है क्या, एटम इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल बिकॉज इन न्यूट्रल पार्टिकल न्यूट्रॉन के, न्यूट्रॉन की वजह से ये न्यूट्रल होता है, नहीं होता है तो इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है, आर इज द नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, ये हो जाएगा बी, मतलब आंसर क्या हो जाएगा, बी आंसर हो जाएगा, ये इसका सही एक्सप्लेनेशन नहीं है, न्यूट्रॉन की वजह से न्यूट्रल नहीं होता है। 16th देखते हैं, वन एटॉमिक मास यूनिट, मतलब ए एम यू की बात कर रहा है, वन एटॉमिक मास यूनिट ए एम यू इज डिफाइंड एज 1/12 ऑफ द मास ऑफ द कार्बन 1/12, मतलब वो दे दिया हुआ एनसीईआरटी बुक में भी दिया हुआ है, या मोल कंसेप्ट लिखा हुआ है, कहाँ से लिख लिया है सब, मोल कंसेप्ट, मोल कंसेप्ट फर्स्ट चैप्टर जो है उसमें जो थियरी दी हुई है मोल कंसेप्ट करके, वहाँ से लिया है। कार्बन 12 आइसोटोप इज द मोस्ट एबंडेंट आइसोटोप ऑफ द कार्बन एंड हैज बीन चूजन एज ए स्टैंडर्ड, बराबर है, तो उसकी वजह से ही होता है ना, क्या हुआ, क्या सही है कि नहीं, वन एटॉमिक मास यूनिट एम यू इज डिफाइंड एज 1/12 ऑफ द मास ऑफ वन कार्बन, देखते एम यू मतलब क्या होता है, एटॉमिक मास यूनिट मतलब कार्बन जो था उसका 1/12 मास ले लिया, बराबर है, 1/12 मास ले लिया एक कार्बन का, जो भी एटम था उसके अंदर कितने थे, तो कार्बन के अंदर 6 प्रोटॉन होते हैं, 6 न्यूट्रॉन भी होते हैं, दोनों 6-6 होते हैं, 6 प्रोटॉन है, 6 न्यूट्रॉन है, 6 प्रोटॉन 6 प्रोटॉन 6 न्यूट्रॉन, दोनों का जो भी वेट हुआ हम उसको 12 लिखते हैं खाली, क्योंकि एक एम यू मान लेते हैं, 12 डिवाइड बाय 12 मतलब एक एम यू हो जाता है, वही हम लेते हैं, उसका रीजन दिया हुआ है, कार्बन 12 आइसोटोप इज द मोस्ट एबंडेंट आइसोटोप ऑफ कार्बन एंड हैज बीन चूजन एज ए स्टैंडर्ड, इसीलिए उसको स्टैंडर्ड लिया हुआ है, सही हो जाता है ना, बोथ है एन आर ट्रू एंड इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन, ये भी सही हो गया, ये हुआ 16 एमसीक्यू हो गए, मतलब सेक्शन ए खत्म हो गया, अब सेक्शन बी, सेक्शन बी की तरफ जाते हैं, सेक्शन बी, कैटलिस्ट का, हाउ डज कैटलिस्ट अफेक्ट द इक्विलिब्रियम ऑफ द, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के जो होता है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के इक्विलिब्रियम बोलो, के सी के पी कुछ भी बोलो, जो भी बोलो आप, क्या होता है, जो प्रोडक्ट्स होते हैं, जो प्रोडक्ट्स होते हैं वो ऊपर लिखते हैं, नीचे रिएक्टेंट लिखते हैं, प्रोडक्ट्स कॉन्सेंट्रेशन, जो भी प्रोडक्ट्स हैं
प्रोडक्ट लिख लेता हूँ, एक ही प्रोडक्ट मान लेते हैं। चलो अभी एक रिएक्शन लिख के ही समझाता हूँ आपको। मान लो एक रिएक्शन है, ये ए में से बी बन रहा है, ए में से बी बन रहा है, बराबर ए में से बी बन रहा है, तो बी हमारा क्या हो गया, प्रोडक्ट हो गया। बी की कॉन्सेंट्रेशन अपॉन ए की कॉन्सेंट्रेशन, वो कैसी हो जाता है। तो अब मान लो उसमें हम कैटलिस्ट डालते हैं, कैटलिस्ट डालते हैं तो ये जो फॉरवर्ड रिएक्शन रेट को भी बढ़ा देता है, रिवर्स रिएक्शन रेट को भी बढ़ा देता है। मतलब इक्विलियम एस्टैब्लिश करने के लिए जो टाइम लगता था पहले, उससे कम लगेगा। मतलब कैटलिस्ट रिएक्शन फास्ट होती है, लेकिन जब इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश होगा तब जो कॉन्सेंट्रेशन होगी ए और बी की, वो तो सेम ही रहेगी, तो इसके ऊपर कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। तो कैसी कॉन्स्टेंट रहेगा, मतलब इक्विलिब्रियम कॉन्स्टेंट है, उसके ऊपर कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। राइट द ओपीएसी नेम ऑफ द कंपाउंड फ्रॉम इट्स गिवन स्ट्रक्चर। ये स्ट्रक्चर दिया हुआ था, उसका नाम लिखने का था, नंबर भी दिए हुए हैं, कुछ करने का नहीं है। सिक्स की चेन है, टू और फोर पेयर कीटोन है, सिक्स की चेन एक्स हो गया, उसके ऊपर डबल बॉन्ड कहीं पर नहीं है, ट्रिपल बॉन्ड कहीं पर नहीं है, मतलब सिंगल बॉन्ड ही है, तो हेक्सेन हो गया। टू और फोर पर कौन है, कीटोन है, दो बार डायोन, क्योंकि कीटोन के लिए हम क्या यूज करते हैं, सफिक्स फॉर कीटोन इज वन, तो हेक्सेन टू फोर डायोन, ये उसका सही नाम हो जाएगा। तो दो मार्क में पूछ लिया था, तो यहाँ फायदा हुआ आपको कि दो मार्क मिल गए ना आपको, खाली एक यूपीएससी नाम के दो मार्क मिले। नेक्स्ट करते हैं, द वैल्यू ऑफ कैसी, रिएक्शन दिया हुआ है कि वो टू में से वाई वो थ्री बन रहा है, ऐसा रिएक्शन दिया हुआ है, उसका कैसी भी दिया हुआ है। तो कैसी कैसे लिखते हैं, अभी हमने मैंने बताया था, ऊपर लिख दो भाई प्रोडक्ट को, ओ थ्री इज ए प्रोडक्ट, ओ थ्री का स्क्वायर कर लो, नीचे ओ टू का क्यूब कर लो, बराबर है, ओ टू का क्यूब कर लो। अब क्या है, कैसी दिया हुआ है, कैसी की वैल्यू 2 × 10^-50 दिया हुआ है। दूसरा क्या दिया हुआ है, ओ टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओ टू इन एयर, वो भी दिया है, ओ टू की कॉन्सेंट्रेशन दी हुई है, ओ थ्री की निकालनी है, मतलब नथिंग एल्स, ओ टू की कॉन्सेंट्रेशन दी हुई है 1.6 × 10^-2 दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, 10^-2 दिया हुआ है, उसका होल स्क्वायर कर लेंगे, ओ थ्री की कॉन्सेंट्रेशन निकाल लेंगे भाई, ओ थ्री की कॉन्सेंट्रेशन निकाल लेंगे, जो भी जवाब आता है लिख लेंगे। उसमें क्या था, मान लो वो निकालने का आता था 8 का क्यूब रूट निकालना आएगा, आपके पास तो लॉग टेबल भी नहीं था, 8 का रूट निकालना था, 9 होता तो 3 लिख देते, बराबर है ना, 8 का निकालना था रूट, 8 का रूट कैसे निकालते, तो कोई भी कुछ भी लिख दिया, 2. किसी ने 8 लिख दिया, कोई किसी ने 2.9 लिख दिया, चलता है, कोई भी लिखो, 2.7 से लेकर 2.9 तक कुछ भी लिख दिया, × 10^-28 मोल पर लीटर, ये उसका सही जवाब। किसी ने कुछ भी लिखा है 2.7 से लेकर 2.9 तक और 10^-28 है और उसका यूनिट भी सही लिखा है, तो उसको मार्क मिल जाएंगे। ऐसा नहीं है कि एक्यूरेट ही निकालना है, अप्रोक्सीमेट निकाल लो चल जाता है।
क्योंकि जे डबल ई नीट में तो हमें खाली अप्रोक्सीमेशन ही देखनी होती है, इतनी डिटेल कैलकुलेशन नहीं करनी होती है। 20 देखते हैं तो मोलेक्यूलर ऑर्बिटल थियरी टू एक्सप्लेन व्हाई बी टू मोलेक्यूल डज नॉट एग्जिस्ट। कोई अकॉर्डिंग टू मोलेक्यूलर ऑर्बिटल थियरी, जो मोलेक्यूलर ऑर्बिटल थियरी है उसके हिसाब से बॉन्ड ऑर्डर निकालते हैं। मोलेक्यूलर ऑर्बिटल थियरी के हिसाब से फर्स्ट ऑफ ऑल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ्यूग्रेशन लिखने का है, इसी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ्यूग्रेशन लिखेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल। बी टू का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ्यूग्रेशन, तो बी मतलब नंबर चार हो गया, दो बी में टोटल 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो सिग्मा 1s2, सिग्मा स्टार 1s2, सिग्मा 2s2, सिग्मा स्टार 2s2, सिग्मा स्टार 2s2। ये इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गई, 8 इलेक्ट्रॉन भर लिए, दो 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 टोटल 8 इलेक्ट्रॉन भर लिए। अब उसका बॉन्ड ऑर्डर निकाल लो, बॉन्ड ऑर्डर निकालो। बॉन्ड ऑर्डर का फॉर्मूला क्या होता है, 1/2 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन बॉन्डिंग ऑर्बिटल माइनस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स, ऐसा होता है। ये टू यहाँ ही रखने वाला है, यहाँ भी रख सकते हो कुछ माइनस, इधर कुछ नहीं है, वन ही है, मतलब वन आप इधर टू रख सकते हो। कितने थे बॉन्डिंग ऑर्बिटल में, ये बॉन्डिंग ऑर्बिटल होता है, ये भी बॉन्डिंग है, तो टोटल 4 हो गई है, दो इसमें एंटी बॉन्डिंग, इधर दो तो भी 4 हो गए, नीचे 1/2 मतलब 2 आ गया, 0 हो गया, 4 - 4 = 0। तो B2 में दो B के बीच में कोई भी बॉन्ड बना नहीं है, 0 बॉन्ड है, तो ऐसा कोई मोलेक्यूल पॉसिबल होता नहीं है, जो हमें बताते हैं मोलेक्यूलर ऑर्बिटल थियरी। इसे हमने समझा दिया, बॉन्ड ऑर्डर से समझाना होता है। सेम यही सवाल इसके और में दिया हुआ था, ये तो छोटा सा था, इसमें हमने करेक्शन भी करवाया था। ये दो लोगों का आप निकालेंगे, दोनों का बॉन्ड ऑर्डर 1 आ जाएगा, ये दोनों का बॉन्ड ऑर्डर आप निकालेंगे 1 आ जाएगा, ये तीनों का भी बॉन्ड ऑर्डर निकालेंगे आप तो 3 आ जाएगा। तो इन दोनों में बॉन्ड ऑर्डर सेम है, तो क्या ऑन द बेसिस ऑफ मोलिकुलर बेटर थियरी व्हाट इज द सिमिलैरिटी, ये दोनों के बीच में सिमिलैरिटी क्या है, बॉन्ड ऑर्डर सेम है, इन तीनों में सिमिलैरिटी क्या है, बॉन्ड ऑर्डर सेम है। बॉन्ड ऑर्डर सेम होता है तो बॉन्ड लेंथ भी सेम होती है, बॉन्ड लेंथ की भी सिमिलैरिटी, बॉन्ड लेंथ दोनों की बॉन्ड लेंथ भी सेम होती है, क्योंकि बॉन्ड ऑर्डर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड, ना इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड लेंथ। बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा है तो बॉन्ड लेंथ कम होती है, ऐसा सिमिलैरिटी हो गई। थर्ड वन मतलब नेक्स्ट करते हैं, कुछ नहीं था, खाली नेम द कंपाउंड्स करने थे। ये जो इसके नेक्स्ट सवाल था, ये 21 है, क्वेश्चन नंबर 21 है, ये क्वेश्चन नंबर 21। दो कंपाउंड दिए थे, दोनों का नाम करने थे। ये जो पहला दिया हुआ है उसमें नंबरिंग कैसे करेंगे, क्योंकि ये सबसे ज्यादा है, थोड़ा और बड़ा करता हूँ मैं, सबसे पहले थोड़ा और बड़ा करेंगे जो कुछ लिखेगा। इसके अंदर
ये देखो CO मतलब कीटोन ग्रुप है, दूसरा कोई ग्रुप है क्या, ये डबल बॉन्ड, बराबर है। डबल बॉन्ड तो फंक्शनल ग्रुप नहीं होता है, तो ये फंक्शनल ग्रुप है, उसमें प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप यही हो गया। तो इसका नंबरिंग, चेन की नंबरिंग ऐसे करेंगे कि इसका नंबर मिनिमम आए, तो इस तरफ से चलेंगे 1 2 3, इतना हो गया। अब इस तरफ जाते हैं तो 4 5 की चेन बनेगी, मैक्सिमम 5 की चेन बनेगी। इस तरफ जाएंगे 4 5 तो भी 5 की चेन बनेगी। इस तरफ आएंगे 4 5 6 7 तो मैक्सिमम चेन जहाँ बनती है वही बनानी है, और साथ में डबल बॉन्ड को तो लेना ही लेना होता है, तो इधर आना ही था हमें। डबल बॉन्ड मस्ट बी इन द चेन, मल्टीपल बॉन्ड पहले, सबसे पहले हमें जो प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप होता है उसका नंबर मिनिमम आए, वहीं से शुरू करते हैं, और जो डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड कोई भी हो चेन में तो उसको ले लेने का है चेन के अंदर। ऐसा ही एग्जाम्पल था, ये 7 कार्बन की मैक्सिमम चेन है, 5 पे उस पे 5 नंबर पे क्या है, डबल बॉन्ड है। कुछ लोग 6 पे लगते हैं, जो छोटा नंबर होता है वहीं पे हम डबल बॉन्ड देते हैं। ऐसा नहीं है कि 6 पे भी है सर, कुछ लोग ऐसा बोलेंगे 6 पे भी है, लेकिन जो मिनिमम नंबर होता है वही लिखना होता है, 5 और 6 दोनों के बीच में, तो 5 लिखना है। चलो कोई बात नहीं। 7 कार्बन मतलब अल्केन रूट क्या हो गया, हेप्ट हो गया, इसका नाम लिखेंगे 7 कार्बन मतलब हेप्ट हो जाता है। हेप्ट के पीछे इन लगाएंगे क्योंकि डबल बॉन्ड है, मैंने आपको सिखाया था, बराबर है। सफिक्स लगाना है, दो तरह के सफिक्स है, प्राइमरी और सेकेंडरी सफिक्स, यहाँ दोनों लगेंगे, इन भी लगेगा, फिर यह कीटोन का जो ऑन होता है वो भी लगेगा, हेप्ट, लेकिन 5 पे इन है, कहाँ पर है, 5 इन। उसके बाद 2 पे ऑन होता है, और ये मिक्सर जाता है तो इसको हम लेफ्ट कर देते हैं, ये हो गया। इसमें अब ग्रुप कहाँ जुड़े हैं, 3 पे, 3 कार्बन पे कौन जुड़ा हुआ है, 2 कार्बन की चेन, CH2 CH3, उसका नाम क्या होता है, इथाइल होता है, कौन कौन से नंबर पर, 3-ethyl। और दूसरा कोई ग्रुप 4 पे कौन जुड़ा हुआ है, यहाँ CH3 जुड़ा हुआ है, मतलब 4 पे मिथाइल होता है। इसको ABCD के हिसाब से रखना होता है, ABCD के हिसाब से ही है, ये पहले आता है बाद में आता है, 3-ethyl 4-methyl, हेप्ट 5-in 2-on, ये नहीं लिखने का है, क्योंकि ई क्यों नहीं लिखते हैं, यू को ड्रॉप कर दिया, क्यों, क्योंकि यहाँ ओ आ गया, इसलिए ई को ड्रॉप कर दिया, ऐसे होता है, इसे नाम हो गया दूसरा। तो इजी था, यहाँ NO2 ग्रुप लगा हुआ है, NO2 ग्रुप है, और यह 6 कार्बन की साइक्लिक रिंग है, तो साइक्लोहेक्सेन हो जाता है, लेकिन पाई बॉन्ड इधर है। अब क्या करेंगे, जहाँ पाई बॉन्ड होता है वहीं पर से नंबरिंग शुरू करनी होती है, यहाँ से भी शुरू कर सकते हैं, यहाँ से भी शुरू कर सकते हैं, बराबर है। जहाँ से शुरू करो, यहाँ से शुरू करो तो इधर आना पड़ेगा, यहाँ से शुरू करो तो उधर जाना पड़ेगा, क्योंकि तभी वो पाई बॉन्ड फर्स्ट ऑफ ऑल हमें रिंग में ले लेना है, कुछ भी करके रिंग में ले लेने का है। इसको नंबर 1 दिया, फिर इधर ही चलना है, क्योंकि पहले नंबर पर ही डबल बॉन्ड है, तो इधर ही चलना पड़ेगा, तो 3 पे नाइट्रो आ जाएगा। अगर इसको मैं पहला नंबर दूं तो मुझे इस तरफ ही चलना पड़ेगा, 2 3 4 5 और 6 पे नाइट्रो आ जाएगा। दोनों में डबल बॉन्ड तो फर्स्ट पर ही रहते हैं, लेकिन एक में 6 नंबर पर नाइट्रो रहता है, एक में 3 पे, तो लोवेस्ट लोकंट वाला रूल जो है, लोवेस्ट लोकंट रूल का यूज करेंगे,
और ये 1 2 3 जो ये है वो सही हो जाएगा। इस तरफ से 1 2 3 करेंगे तो 3 नाइट्रो हो जाएगा, 3 नाइट्रो। फिर कैसी रिंग थी, 6 की थी, तो साइक्लो साइक्लोहेक्स कितने पे, फर्स्ट पे ही इन है, साइक्लोहेक्स 1 इन, ऐसा। इसमें ये ड्रॉप नहीं करेंगे भाई, साइक्लोहेक्स 1 इन ऐसा होता है। 2 मार्क मिल गए आपको, दोनों के एक एक मार्क थे। नेक्स्ट पे चलते हैं। यूपीएससी नाम तो बहुत भर भर के पूछे है भाई आपको बोर्ड वालों ने, तो आपको बहुत फायदा हो गया है सबको, जो बहुत तो ये देखा मैंने, 2 मार्क का भी सेक्शन सी में था, अभी 2 हमने किए, सी चालू हो गया। बी में 4 मार्क का यूपीएससी नाम आए, ये 3 और आ गए। इसमें ऑल्सो कैलकुलेट द नंबर ऑफ सिग्मा एंड पाई बॉन्ड्स भी कैलकुलेशन करनी है। इसमें क्या था जो नहीं समझ में आता तो थोड़ा उसको ओपन करके लिख लेने का है, नहीं समझ में आ रहा है तो उसको ओपन करके। 2CH3 है, किसके साथ जुड़े हैं, CH के साथ, ये CH लिख दिया, उसके साथ 2CH3 जुड़े हुए हैं, ऐसा लिखने का, आगे बढ़ने का है। दूसरा CH है, ऐसे आगे बढ़ने का, डबल बॉन्ड CH है, ऐसा बॉन्ड CH2 है, बॉन्ड CH है, बॉन्ड CH है, बॉन्ड CH है। यहाँ पर C2H5 दिया हुआ है, C2H5 को हम ऐसे लिख लेंगे, और यहाँ पर क्या लास्ट में मिथाइल दिया हुआ है। अब 2 जगह पर डबल बॉन्ड है, यहाँ पर भी है यहाँ पर भी है, तो लोवेस्ट लो कंट्रोल पहले अप्लाई करेंगे। कहाँ से ये इसका प्लेस कम आ रहा है, तो क्या 1 2 3, कुछ लोग तो यहीं से शुरू कर देते हैं, या एक ही कार्बन पर एंड पर मिथाइल भी है और इथाइल भी है, तो इथाइल को तो चेन में ले लेने का है, इथाइल ग्रुप नहीं होता फिर, तभी लॉन्गेस्ट कार्बन चेन बनेगी। अगर मान लो इसको 1 2 3 दे देते हैं, दूसरा कलर ले लेता हूँ तो आपको और मजा आएगा, दूसरा कलर ले लेता हूँ, सिलेक्ट करता हूँ, बराबर है, कोई भी कलर ले लेता हूँ, येलो कलर, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और किधर भी चले जाओ, दोनों सेम ही है तो किधर भी चले जाओ, 10। डबल बॉन्ड का ही खाली देखेंगे, डबल बॉन्ड का जो प्लेस है वो इधर से चलते हैं तो 4th और 7th पर आ रहा है, इधर से चलते हैं तो 4 7 डबल बॉन्ड का प्लेस आ रहा है, बराबर है। अगर इधर से चले, इधर से चले तो कैसे आता है, चलो इधर से चले, इसको नंबर 1 दे दे, 2 3, तो 3 पे आ गया, इधर ही पता चल जाता है, क्योंकि फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस से चलना होता है, दूसरा कुछ भी आए, ये जीत गया यहाँ पर, ये दूसरा नंबर कोई भी आए, 4 पर भी होता है यहाँ भी तो भी यही जीत जाता, फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस बोलते हैं उसको, जो सबसे पहले छोटा आ गया उस तरफ से ही नंबरिंग करनी है, तो मतलब ये ब्लू वाला जो कलर है वो ही हमारी नंबरिंग सही होगी, ब्लू वाली नंबरिंग सही होगी, 5 6 7 8 9 10, ये ब्लू वाली नंबरिंग सेम हो जाएगी। तो ब्लू वाली के हिसाब से 2 पे मिथाइल आ रहा है और 8 पे भी दूसरा मिथाइल आ रहा है,
बराबर, तो उसका नाम लिख लेंगे 2,8-dimethyl, 2,8-dimethyl फिर डबल बॉन्ड कहाँ पर है, थर्ड पे और सिक्स पे, 3,6 बोले वो तो लिख ले, कौन सा है वो, 10 carbon डेक, दो बार सेम डबल बॉन्ड दो बार है तो डेका लिखने का, डबल बॉन्ड तीन बार होता तो भी ए लगाते, मतलब दो या दो से ज्यादा बार डबल बॉन्ड है तो हम ए लगाते हैं। डेका थ्री पे और सिक्स पे, 3,6-dimethyl, ऐसा इसका नाम हो जाएगा, 2,8-dimethyl डेका 3,6-diene, ये नाम हो जाएगा, इसका नाम हो गया। उसमें सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड भी निकालने थे, वो आप गिन के निकाल सकते हो, पाई बॉन्ड दो है मुझे इतना पता है, पाई बॉन्ड कितने हैं, दो है, बाकी सिग्मा बॉन्ड आप गिन लेना इसमें, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 इधर से अभी करते तो भी सेम स्ट्रक्चर सिमेट्रिकल है दोनों साइड से, क्योंकि इधर से भी चल लो ऐसे ही चले तो डबल बॉन्ड कहाँ आता है, 1 पे डबल बॉन्ड है, 3 पे है, 5 पे है, 7 पे है, टोटल 8 carbon की चेन है तो ऑक्ट हो गया, 4 बार डबल बॉन्ड आया ये लगा दिया, 2 बार आए, 3 बार आए, 4 कितने भी बार आए, 2 से ज्यादा बार तो ए लगाना है, ओक्टा 1, 3, 5, 7 चार बार डबल बॉन्ड है, टेट्रा, 4 मतलब क्या होता है, टेट्रा इन, डाइन मतलब 2 होता है, टेट्रा इन मतलब 4 होता है, 4 बार इन है, 4 जगह पर इन है, ये 4 जगह है, टोटल 8 carbon की चेन है, ऐसा होता है। उसमें भी पाई बॉन्ड कितने हैं तो दिखाई दे रहे हैं, पाई बॉन्ड 1, 2, 3, 4 पाई बॉन्ड है भाई, बाकी सिग्मा बॉन्ड आप गिन लेना, बाकी के जो भी बॉन्ड बने बचे वो सिग्मा बॉन्ड होते हैं, आप गिन लेना। इसमें लॉन्गेस्ट कार्बन चेन करेंगे, 1, 2, 3, 4 5, 6, 7 यह हो गया। इस तरफ से चले तो 6 पे डबल बॉन्ड आ रहा है, 6, 7, 8, 9, 10 मैक्सिमम वही आएगी, 8, 9, 10 इधर भी जाते हैं तो भी वही सेम आता है, बराबर, सॉरी वो गलत है, ये इसमें मैंने गिन लिया है वो इधर था, वो गलत हो गया है, 10 नंबर यहाँ पर नहीं है, इधर में चलता तो 9 नंबर पर ही जा पाता, तो दूसरा गिनते हैं, इस तरफ में जाऊं भाई 8, 9, 10 इधर जाने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि 9 की रिंग बन रही है तो 10 तरफ ही मुझे जाना पड़ेगा, 10 की रिंग बन रही है, लेकिन नंबर 1 किस तरफ से देंगे, अगर मान लो इस तरफ से देते, इस तरफ से देते 1, 2, 3, 4 पे डबल बॉन्ड आता, इस ब्लू वाले के हिसाब से चलते हैं तो 6 पे डबल बॉन्ड आ रहा है, रेड के हिसाब से चलते हैं तो 4 पे डबल बॉन्ड आ रहा है, तो 4 पे जो डबल बॉन्ड आ रहा है वो सही होता है, मतलब लोवेस्ट लोकंट है, 5, 6, 7, 8, 9, 10 डेक में, डेक मतलब 10 carbon हो गए, कहाँ पर डबल बॉन्ड है, 4 पर इन है, बराबर है, तो 4 इन लिखेंगे, डेक 4 इन,
और बाकी के जो ग्रुप है उसको आगे लिख देंगे प्रीफिक्स विथ प्लस। सिक्स पे क्या बचा, ये मिथाइल, देखो सिक्स पे कौन है, मिथाइल है, सॉरी बराबर रेड से ही चलते हैं, रेड ही सही है ना, रेड बराबर सिक्स पे मिथाइल है और टू पे भी मिथाइल है भाई, और फोर पर इथाइल है, मिथाइल इथाइल में पहले इथाइल लिखते हैं तो फोर पे इथाइल और टू सिक्स डाई मिथाइल, टू सिक्स डाई मिथाइल। डेक फॉरिन ये इसका सही जवाब हो गया, इसमें पाई बॉन्ड एक है, बाकी के सिग्मा बॉन्ड आप निकाल लेना, ऐसा सवाल था। उसके बाद नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, राइट रिएक्शन फिनोल टू बेंजीन, राइट रिएक्शन फिनोल टू बेंजीन, अब सबको मालूम है फिनोल मतलब क्या होता है, फिनोल का स्ट्रक्चर ड्रॉ करने का, फिनोल में से बेंजीन बनाने का कैसे बनता है, बेंजीन नाम भी लिखने का है इस नीचे, ये थे फिनोल कैसे बनता है, तो फिर रेड एन डस्ट और डेल्टा, रेड एन डस्ट के साथ हीट कर दो ऑक्सीजन को, जिंक ऑक्सीजन को खींच लेता है, जेड एन ओ बन जाता है और ये बेंजीन बन जाता है, ओ को खींच लेते हैं, ओ एच था ओ को खींच लिया, एच वापस जुड़ गया, तो ऐसे बनता है। ऐसे रिएक्शन दिखा था सही, एक मार्क का था, इसका वन मार्क मिल जाता है आपको। सेकंड, व्हाट डू यू मीन बाय सेविंग द एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज क्वांटिसाइज्ड, बराबर है, व्हाट डू यू मीन बाय सेइंग दैट एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन इज क्वांटिसाइज्ड, तो इलेक्ट्रॉन कहीं पर भी जो मतलब घूम रहा है ऑर्बिट्स में, उसके हायर ऑर्बिट में जा रहा है तो कितनी इलेक्ट्रॉन एनर्जी खा के जा रहा है, तो वो फिक्स क्वांटिटी होती है, मतलब कुछ भी एनर्जी वो नहीं ले पाता, मतलब उसकी एनर्जी क्या है फिक्स होती है कुछ, तो उसके हिसाब से हम पता वो कह पाते हैं इट इज क्वांटिसाइज, उसकी जो एनर्जी होती है वो स्पेसिफिक होती है। तो थर्ड वन करते कैलकुलेटर एनर्जी, इसका जो यही 2 मोल फोटोन की एनर्जी हमें कैलकुलेट करनी है, तो आपको सबको आता है 2 मोल फोटोन से, तो आइंस्टाइन ने जो मैं फॉर्मूला बताया था, वन आइंस्टाइन किसको बोलते थे, 1 मोल फोटोन की एनर्जी को बोलते थे वन आइंस्टाइन, यहाँ 2 मोल फोटोन दिए हैं, 2 मोल मतलब कितने, इसका पहले फॉर्मूला लिखते हैं, डायरेक्ट जवाब नहीं करते हैं, क्या होता था E इज इक्वल टू एच न्यू होता था ना, एच एफ बोल दो एच न्यू बोल दो, एफ इज फ्रीक्वेंसी होता है, हियर एन इज नंबर ऑफ फोटोन, ये जो नंबर है कितने फोटोन की एनर्जी, एक फोटोन की होती तो एन इज इक्वल टू वन रख लेते, एक ही फोटोन की होती तो एन इज इक्वल टू वन रख लेते, तो ये फॉर्मूला ऐसा बन जाता। बाकी एक से ज्यादा 1 मोल फोटोन की निकाल दो उसको 1 आइंस्टाइन बोलते हैं, कितने भी फोटोन की एनर्जी निकालो यहाँ नंबर से मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ 2 मोल मतलब कितने, 2 × 6 = 23, 6 ही ले लेते हैं, एन इज इक्वल टू 6 लेने को बोला है इसलिए वही ले लेने का है, पूरा लेने की जरूरत नहीं है, एच की वैल्यू भी दी हुई है, ये रही 6.6 ले लो, 10⁻³⁴ जूल इंटू सेकंड जो भी है
उसके मल्टीप्लाई, ये अब फ्रीक्वेंसी कितनी थी भाई फोटोन की, 5 × 10⁴ हर्ट्ज थी, हर्ट्ज मतलब सेकंड इनवर्स ही होता है, सबका आप मल्टीप्लाई कर लेना है तो क्या आंसर आ जाता है, एनर्जी ऑफ 2 मोल फोटॉन्स इज इक्वल टू 396 किलो जूल पर मोल, ये कैलकुलेशन आप करोगे तो इतना आंसर आ जाएगा। अच्छा किया था इन लोगों ने, क्योंकि कैलकुलेशन कम कर दी, क्योंकि छोटे कर दिए, इतना आंसर जाएगा। ये 3 मार्क का था, देखो 3 मार्क्स भाई, इतना करने पे 3 मार्क्स है, 3 मार्क का ही था ना। हाँ सेक्शन सी मतलब 3 मार्क का होता है भाई, ये 23 था, इतने का 3 मार्क मिल गए आपको, बराबर। अब करते हैं आगे, मतलब ये 24 हो गया, 24 को ही रखते हैं, बाकी को जाने देते हैं, यही सवाल रखते हैं, 24 वाला सवाल ही चाहिए, बाकी नहीं चाहिए, बराबर। सवाल नंबर 24 करते हैं, क्वेश्चन नंबर 24 करते हैं, ओके। दिखाई दे रहा है ना भाई, क्या था, 10 ग्राम ऑफ आर्गन गैस कंप्रेस आइसोथर्मली एंड रिवर्सिबली एट ए टेम्परेचर 27 डिग्री सेंटीग्रेड, तो केल्विन में कन्वर्ट करना पड़ेगा, केल्विन में टेम्परेचर जो भी दिया होता है सबको, सबसे पहले टेम्परेचर टी कितना है तो केल्विन में कन्वर्ट कर लो, दूसरा डेटा क्या है, V1 पहले वॉल्यूम कितना था 10 लीटर, V2 फाइनल वॉल्यूम कितना हो गया 5 लीटर, 10 ग्राम आर्गन दिया हुआ है, 10 ग्राम आर्गन है, मोल निकालने, आर्गन के मोल निकाल लो, मोल ऑफ आर्गन, मोल निकाल लो कितने होते हैं, मोल इज इक्वल टू गिवन वेट, 10 ग्राम है वेट, गिवन वेट, वेट कितना दिया हो, पर मोलेक्युलर वेट, मोलेक्युलर मास बोल लो, ग्राम मोलेक्युलर मास बोल लो, या एटम है, ग्राम एटॉमिक मास दिया हुआ है 40, 10 ग्राम अपॉन 40, 10 ग्राम अपॉन 40 तो 1/4 आ गया, कितने मोल है, 1/4 मोल है, बाकी फॉर्मूला लगा दो, थर्मोडाइनेमिक्स में जो आते थे सब फॉर्मूला लगा दो, कैलकुलेट QW सब ढूंढना है हमें, तो आपको मालूम है, आपको एक फॉर्मूला आता है W का, वर्क डन कैसे निकालते थे, कैसे आइसोथर्मली एंड रिवर्सिबल, आइसोथर्मल एंड रिवर्सिबल प्रोसेस, टी कॉन्स्टेंट है और रिवर्सिबल भी है, तो -nRT ln V2 अपॉन V1, ये फॉर्मूला सबको चिपकना चाहिए, ये था फॉर्मूला, ln में से log में कन्वर्ट कर लो, माइनस सबकी वैल्यू रख देते हैं, इसको पहले ln में से log में कन्वर्ट करते हैं, 2.303, इतना सा लंबा नहीं लिखना है, कैलकुलेशन बहुत लंबी हो जाती है, यू कैन डायरेक्ट यू ओनली सिंपली 2.3, तो यहाँ लोग बन जाएगा, V2 कितना है भाई, यहाँ देखो 5 है, यहाँ कितना 10 है, पहले वैल्यू रख देते R, R की वैल्यू दी हुई है, देखो R की वैल्यू दी हुई है भाई, के कैलोरी में गिनो, कैलोरी में गिनो, तो R इज इक्वल टू 2 दिया हुआ है, टी टेम्परेचर 300 केल्विन, लोग लोग कितने का 1/2 का हो गया,
वन एंड हाफ, ऐसे मतलब 0.5। ओके हो गया, 0.5 हो गया, लेकिन लोग 2 की वैल्यू हमको दी हुई है, वो भी कर लेंगे। कैसे करेंगे इसको, उल्टा उल्टा लिख लेंगे भाई, इसको उल्टा लिख लेंगे कैसे, 2 raised to -1। अब लोग 2 raised to -1, इसको नीचे ले लेंगे माइनस वन को, तो ये प्लस हो जाएगा 2.3 × 2 × 300। ये नीचे ले लिया, प्लस हो गया, तो लोग 2 हो गया, ऐसे इसलिए लोग 2 की वैल्यू दी थी आपको, लोग 2 की वैल्यू ली तो 0.3। सबका मल्टीप्लाई कर लो, सबका मल्टीप्लाई कर लो, तो आंसर जो भी आता है, वर्क डन, वर्क डन का आ गया, मल्टीप्लाई किया 103.6, आपका जो भी आए 103 के आसपास जो भी आए, फिर कैलोरी में आएगा, किस में आएगा, वर्क कैलोरी, ये वर्क मिल गया। W पॉजिटिव आया, इसका मतलब क्या हुआ, वर्क डन ऑन द सिस्टम, सिस्टम पे काम हो रहा है, इतना पता चल गया। अब डेल्टा U निकालते हैं, मार इंटरनल एनर्जी चेंज, इंटरनल एनर्जी इज ओनली फंक्शन ऑफ टेम्परेचर, ओनली डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर, नथिंग एल्स। तो टेम्परेचर कॉन्स्टेंट है, आइसोथर्मल मतलब टेम्परेचर कॉन्स्टेंट होता है, टी कॉन्स्टेंट है, तो डेल्टा यू मतलब डेल्टा यू जीरो हो जाएगा, इंटरनल एनर्जी कॉन्स्टेंट हो जाएगी, डेल्टा यू जीरो हो गया। दूसरा, डेल्टा यू कैसा हो गया, जीरो, इट इज जीरो। अब फर्स्ट लॉ क्या बोलता है, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनेमिक्स, फर्स्ट लॉ में क्या बोलता है, फर्स्ट लॉ का फॉर्मूला क्या है, डेल्टा यू, कभी कभी डेल्टा ई भी लिखते हैं, डेल्टा यू बोलो, क्यू प्लस डब्ल्यू, डब्ल्यू है हमारे पास, डेल्टा यू भी है, क्यू निकाल लो, क्यू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, क्यू इज इक्वल टू माइनस डब्ल्यू, साइन बदल लिया, खाली डब्ल्यू था वही रहेगा, साइन बदल जाएगी, माइनस 103 पॉइंट के बाद जो भी आपका आ रहा है सबका अलग अलग थोड़ा सा वेरिएशन होगा, 103। वर्क डन ऑन द सिस्टम था तो पॉजिटिव था, और क्यू वैल्यू नेगेटिव आई, क्यू की वैल्यू नेगेटिव आई मतलब क्या हुआ, क्यू की वैल्यू नेगेटिव मतलब एनर्जी कहाँ बाहर जा रही है सिस्टम से, बराबर, एनर्जी कम हो रही है तभी नेगेटिव आता है, तो हीट रिलीज हो रही है बाय द सिस्टम। ये भी निकाल लिया, अभी डेल्टा एच निकालना है, फोर्थ क्या निकालेंगे, डेल्टा एच, डेल्टा एच का फॉर्मूला क्या था, डेल्टा एच कैसे निकालते हैं, डेल्टा यू प्लस पी इंटू डेल्टा वी, पी इंटू डेल्टा वी लिख लो, या फिर लिख दो डेल्टा यू प्लस डेल्टा पी वी, बराबर है पीवी। तो आइसोथर्मल मतलब टी जब कॉन्स्टेंट होता है, बॉयल्स लॉ के हिसाब से, अकॉर्डिंग टू बॉयल्स लॉ, व्हेन टी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, व्हेन टी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, टी कॉन्स्टेंट होगा तो पी वन वी वन इज इक्वल टू पी टू वी टू हो जाएगा, और पीवी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट तो भी बोलो, कॉन्स्टेंट का जीरो ही आ जाता है, कॉन्स्टेंट का डिफ्रेंशिएशन करते हैं तो जीरो आ जाता है, पी वी कॉन्स्टेंट रहता है, यहाँ पी वी की जगह पी वन वी वन माइनस पी टू वी टू लिख दो तो भी वो जीरो हो जाता है, मतलब डेल्टा एच
इज इक्वल टू डेल्टा यू हो गया, ये तो जीरो था भाई, और डेल्टा यू भी जीरो ही था, ये रहा डेल्टा यू भी जीरो ही था, ये रहा तो जीरो प्लस जीरो इज इक्वल टू डेल्टा एच भी जीरो हो गया। नो एंथैल्पी चेंज ड्यूरिंग द रिएक्शन, फिजिकल रिएक्शन जो भी हुआ। नेक्स्ट करते हैं, एक्सप्लेन जियोमेट्री। ओ भाई ये तो आपको आता ही है सब, ये तो पूरी थियरी एनसीईआरटी की ही है, सबको मालूम है, एनसीईआरटी में सब जवाब लिख सकते हैं। जियोमेट्रिकल आइसोमर समझाने हैं, सीस क्या होता है, ट्रांस क्या होता है, कैसे बनते हैं, डिस्कस करना, डाइपोल मोमेंट के बारे में, मेल्टिंग पॉइंट के बारे में डिस्कस करना है, नथिंग एल्स। वो अकॉर्डिंग टू आप एनसीईआरटी बुक में सब लोग देख लेंगे। नेक्स्ट आगे बढ़े, उसके बाद क्या है भाई, गिविंग जस्टिफिकेशन कैटेगराइज द फॉलोइंग मॉलिक्यूल्स, आयंस और न्यूक्लियोफाइल कौन है भाई, कौन होता है न्यूक्लियोफाइल, सबको बताया था। जो नेगेटिव आयन वाला होता है वो न्यूक्लियोफाइल होता है, ये रहा न्यूक्लियोफाइल, बराबर है न्यूक्लियोफाइल। दूसरा कौन है, C2H2O, नेगेटिव जिसके पास है वो न्यूक्लियोफाइल है, इसके पास लोन है पेयर है तो भी वो न्यूक्लियोफाइल है, लोन पेयर होता है, नेगेटिव चार्ज वही लोन पेयर ही होता है, ये जैसे ये लोन पेयर है तो भी चलते हैं, नेगेटिव चार्ज है तो भी चलता है, ये पॉजिटिव है, ये CH3C पे पॉजिटिव डबल बॉन्ड वो है, वो पॉजिटिव वाले है, ये नेगेटिव है, वो लोन पेयर भी है, दोनों है, ये सब न्यूक्लियोफाइल हो गया। रेड अंडरलाइन वाले हैं वो सब न्यूक्लियोफाइल है, रेड ऑल रेड आर न्यूक्लियोफाइल। न्यूक्लियोफाइल क्या होता है, नेगेटिव चार्ज वाला होता है या लोन पेयर भी हो, कोई भी एटम हो उसके ऊपर लोन पेयर मिनिमम एक भी है तो वो न्यूक्लियोफाइल होता है, सबको मालूम है। दूसरा इलेक्ट्रोफाइल, इलेक्ट्रोफाइल कौन सा होता है, उसके पास पॉजिटिव चार्ज मतलब वैकेंट ऑर्बिटल होना चाहिए, इसके पास भी वैकेंट ऑर्बिटल है, कार्बन के पास भी वैकेंट ऑर्बिटल है, यहाँ पर दूसरा कौन है, Cl+ के पास भी वैकेंट ऑर्बिटल है, इलेक्ट्रॉन था वो चला गया है, खाली जगह है, Bf3 के पास भी खाली जगह है क्योंकि बी ने तीन बॉन्ड बना रखे हैं, बराबर है, लुईस एसिड होता है ना, ये यहाँ वैकेंट ऑर्बिटल खाली होता है, तो ऐसे बी ने तीन बॉन्ड बनाए हैं, बाकी वैकेंट ऑर्बिटल एक जगह खाली है, तो ऐसे कोई भी Bf3 एक्ट एज ए लुईस एसिड, और वी कैन से इट इज ए इलेक्ट्रोफाइल, तो ये येलो वाले सब इलेक्ट्रोफाइल हो गए। क्लासिफिकेशन करना था और जस्टिफाई करना था, कैसे बोलते हैं, लोन पेयर होते हैं वो देते हैं, जो देते हैं वो न्यूक्लियोफाइल होते हैं, और जिसके पास वैकेंट ऑर्बिटल होता है वो लेते हैं, वो इलेक्ट्रोफाइल बन जाते हैं, काम खत्म। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, ऐसे भाई भाग रहा है, कहाँ भाग रहा है भाई, आजा आजा आजा, कैसे यार भाग रहा है तू, क्या प्रॉब्लम हो गई क्या, कुछ ज्यादा गर्म हो गया भाई क्या। 27 क्वेश्चन नंबर 27 पर पहुंच गए हैं, मतलब 4-5 सवाल ही बाकी है, फटाफट देख लेते हैं। फॉर द रिएक्शन है, पूरा रिएक्शन दिया हुआ है, डेल्टा यू डेल्टा एस दिया हुआ है,
calculate delta G0 for the reaction and predict whether the reaction may occur spontaneously. तो डेल्टा जी की वैल्यू से हमें पता चल जाता है कोई भी स्पॉन्टेनियस है कि नहीं। तो डेल्टा जी का जो फॉर्मूला है क्या लगाएंगे, डेल्टा एच माइनस टी इंटू डेल्टा एस, ये फॉर्मूला से डेल्टा जी की वैल्यू निकालेंगे। पॉजिटिव आ गई तो नॉन स्पॉन्टेनियस बोल देंगे, नेगेटिव आई तो स्पॉन्टेनियस बोल देंगे। ये सब केस है, स्टैंडर्ड है तो स्टैंडर्ड वाला फॉर्मूला लिखना है। बराबर है, डेल्टा यू दिया हुआ है, डेल्टा एच तो नहीं दिया है। तो अभी हमने जो फॉर्मूला लिखा था, डेल्टा एच जीरो इज इक्वल टू डेल्टा यू जीरो, दूसरा क्या है, प्लस डेल्टा एन जी आर टी, यह फॉर्मूला लगा के डेल्टा एच निकालेंगे, यहाँ रख देंगे। डेल्टा एस दिया हुआ है, टी की वैल्यू दी हुई है, टी की वैल्यू दी हुई कि नहीं, यस इट इज 298। सब कैलकुलेशन कर लेंगे और सबको आती है, कितना आंसर आता है मैं आपको बता देता हूँ, आपको भी शांति हो जाएगी। यस, डेल्टा जी की वैल्यू आ जाती है 0.16 किलो जूल पर मोल, मतलब कैसा आ गया, पॉजिटिव, डेल्टा जी इज पॉजिटिव। तो दिस रिएक्शन इज नॉन स्पॉन्टेनियस, नेगेटिव आती तो स्पॉन्टेनियस बोलते, सबको मालूम है। उसके बाद हाउ वी गेट सीस अल्किन एंड ट्रांस अल्किन प्रोडक्ट फ्रॉम अल्किन अल्काइन, अल्काइन में से हम कैसे बनाते हो, तो सबको एनसीईआरटी में पूरा दिया हुआ है एक साथ। प्रिपरेशन ऑफ सीस एंड ट्रांस अल्किन, लिनलर कैटलिस्ट वाला सीस अल्किन बनाने और लिनलर कैटलिस्ट का यूज कर लो, पूरी थियरी दी हुई है, रिएक्शन भी दिया हुआ है, इसमें एक रिएक्शन लिखना है। उसके नीचे ही हमें ट्रांस कैसे बनाते हैं, तो क्या सोडियम लेते हैं इन लिक्विड अमोनिया, मतलब बर्च रिडक्शन होता है, बर्च रिडक्शन करते हैं तो अल्किन मिलती है, लेकिन वो ट्रांस होती है। दोनों का एक एक रिएक्शन देना है, थोड़ा सा समझाना है, 3 मार्क मिल जाते हैं, पूरी एनसीईआरटी में दी हुई है। हाइड्रोकार्बन चैप्टर प्रिपरेशन ऑफ अल्किन, उसमें सब लोग देख लेंगे, सॉरी अल्काइन। बराबर, अल्काइन में से सॉरी अल्किन बनाना है, प्रिपरेशन ऑफ अल्किन में देख लेंगे, अल्किन सब लोग एनसीईआरटी में देख लेंगे। ये क्या ऊपर का पढ़ो ना पढ़ो कुछ फायदा, सेक्शन डी में पहुंचे ना, सही है ना। यस, सेक्शन डी 29। बराबर, क्या है उसका, तो मुझे कुछ काम है नहीं भाई, ये कुछ काम का नहीं होता है, ये पढ़ो ना पढ़ो तो उसे कुछ फर्क नहीं पड़ता, हमें तो नीचे क्वेश्चन के आंसर देने होते हैं। बराबर, वो पढ़ो ना पढ़ो कोई फर्क नहीं पड़ता भाई, उसमें थोड़े जवाब होते हैं, कुछ लोग उसमें ढूंढते हैं। ये थोड़ा इंग्लिश का कॉम्प्रिहेंशन टाइप सवाल थोड़ा है भाई, कि उसमें मिल जाते हैं, कुछ लोग उसमें जवाब ढूंढते हैं। वो खाली बेस बनाने के लिए कि आप थियरी के अंदर घुसो, इसलिए थोड़ा सा दिया हुआ है, तो आप पढ़ो तो थोड़ा आपको थियरी के अंदर घुस जाओ, बाकी उसका कुछ काम नहीं होता, उसमें आंसर थोड़े होते हैं। राइट ओनली रिएक्शन ऑफ फ्रिडल क्राफ्ट, रिएक्शन ही लिखना है, नथिंग एल्स। कोई भी आप फ्रिडल क्राफ्ट अल्काइलेशन, कोई भी अल्काइल ग्रुप, आप बेंजीन में आपको मालूम है
बेंजीन लिखना है, दिस इज बेंजीन। फिर डेलक्राफ्ट अल्काइलेशन किसके साथ करते हैं, कोई भी आप ऐसा नहीं है कि जनरली अल्काइल ग्रुप लो, कोई भी ग्रुप भी ले लो, अल्काइल एलआईडीसी के साथ कर लो, इन प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस CH3 लिख लो, कुछ नहीं करना है, CH3 चिपक जाता है, टोल्यूइन बन जाता है, दिस इज कॉल्ड टोल्यूइन। काम खत्म। टोल्यूइन, टोल्यूइन, काम खत्म। एक मार्क मिल गया आपको, इतना लिखा एक मार्क मिल गया। बाकी कोई यहाँ आर लिखता है, जनरल रिएक्शन लिखना है, आर एक्स लिखना है, कोई चिंता नहीं है भाई, आर जुड़ जाता है। गिव रिएक्शन ऑल फॉर CH बॉन्ड्स इन मीथेन आर आइडेंटिकल, चारों बॉन्ड का एंगल सेम होता है, 10928 मिनट होता है चारों बॉन्ड का एंगल, चारों बॉन्ड की एंथैल्पी, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी सेम होती है, मतलब चारों बॉन्ड आइडेंटिकल होते हैं। काम खत्म। एक्सप्लेन बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन, दो मार्क है उसके, और ऊपर के ऊपर वाले दोनों के एक मार्क थे, ये लास्ट वाला बीटा एलिमिनेशन दो मार्क का है, वो भी दिया हुआ है NCERT में, डायरेक्टली यू कैन सी इन NCERT बुक, हाइड्रोकार्बन चैप्टर में दिया हुआ है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 30, थियरी, वो थियरी था। क्वेश्चन नंबर 30, चार्ज टू मास रेशियो पूछा है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ चार्ज टू मास रेशियो अपॉन फॉर इलेक्ट्रॉन, बराबर है, इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है, उसका मास कितना होता है। आपको याद हो तो ये कर लो, न याद हो तो नीचे वाला कर लो। इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज कितना होता है, 1.6 × 10⁻¹⁹ कूलम होता है, इलेक्ट्रॉन का मास 9.1 × 10⁻³¹ किलोग्राम होता है। चार्ज टू मास रेशियो मिल जाता है, रटा मारने की कोई जरूरत नहीं है, याद है तो करो वरना ये कर लो। इलेक्ट्रो कैलकुलेट द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन 1 मोल ऑफ मीथेन, एक मोल मीथेन में कितने टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, वही कर लो ना भाई। एक मोल मीथेन होता है तो मीथेन, मीथेन में क्या होता है, कार्बन होता है और हाइड्रोजन होता है, इसके पास कितने हैं इलेक्ट्रॉन, टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 6 है, इसके पास हर एक के पास कितने होते हैं, एक एक होते हैं, टोटल कितने हो गए, 10। एक एक मोलेक्यूल के अंदर 10 इलेक्ट्रॉन है, बराबर है। 1 मोल मीथेन पूछा है, 1 मोल, 1 मोल मीथेन, 1 मोल हमें मालूम है 6.022 × 10⁻²³, इतने मोलेक्यूल होते हैं, एक में 10 होते हैं तो इतने में कितने, 10 से मल्टीप्लाई कर लो, वही आ गया 24। काम खत्म। ज्यादा कैलकुलेशन नहीं करानी है भाई आपसे, इतना ही जवाब आ गया। हम डबल यूनिट में कोई ज्यादा आपसे कोई कैलकुलेशन नहीं कराते, फटाफट जो आंसर मिल जाता है। How is the concluded that electrons is a universal constituent of matter? जो कैथोड रोब ट्यूब के ट्यूब CRT ट्यूब के अंदर जितने भी एक्सपेरिमेंट किए तो सब में सेम ही निकल रहे थे रेज, कैथोड से निकले एनोड की तरफ गए, अंदर का गैस बदल डाला तो भी सेम रे निकले, जो एनोड कैथोड थे वो बदले तो भी सेम रेज निकले, मतलब इलेक्ट्रॉन सबके अंदर होते हैं, ऐसा हमें पता चला। यूनिवर्सल कंस्टिट्यूएंट, सबके अंदर इलेक्ट्रॉन होते हैं, जब एनोड कैथोड के बीच में
वोल्टेज डिफरेंस देते हैं तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉन ही बाहर आते हैं, उसको ही हम कैथोड रे बोलते हैं, क्योंकि कैथोड से निकल कर एनोड की तरफ जाते हैं। Which fundamental property of atom is not understood if we assume that an atom consists of a nucleus containing protons only and an extra nuclear part containing an equal number of electrons. तो बीच में खाली प्रोटोन रख दो, तो न्यूक्लियस में ओनली प्रोटोन है तो उसकी न्यूक्लियस की स्टेबिलिटी समझाना भी मुश्किल हो जाएगा कि पॉजिटिव चार्ज एक साथ इतना नज़दीक क्यों रह रहा है बिना न्यूट्रॉन, मतलब हम न्यूक्लियस की स्टेबिलिटी को समझा नहीं पाएंगे। न्यूक्लियस की स्टेबिलिटी हम नहीं समझा पाएंगे, न्यूट्रॉन को निकाल देंगे ना। तो आगे बढ़ते सेक्शन ई में चले गए। सेक्शन ई ये भी गर्म हो गया है भाई बहुत, ये काम नहीं कर रहा है, ना बोल रहा है ये भी। सेक्शन ई में चले गए। अटेम्प्ट 25, पांच सवाल जो नंबरिंग नहीं की दी हुई थी तो नंबरिंग आप अपने हिसाब से कर लेना। टोटल 7 सवाल थे, कोई भी आप 5 कर लो, 5 मार्क ले लो, बराबर है, ले लो मार्क। प्रेडिक्ट द जियोमेट्री, जियोमेट्री पूछी है एक्सी ऑफ कोर मॉलिक्यूल में, तो कैसे हम पहले तो हाइब्रिडाइजेशन निकालते हैं, इसके पास 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, चार्ज कुछ नहीं है, चार बॉन्ड में चले गए हैं तो कितने बचे, चार बचे, चार बचे मतलब 2 लोन पेयर, 2 लोन पेयर है, वो चार एफ के साथ चार सिग्मा बॉन्ड बनाए हुए हैं, कितने सिग्मा बॉन्ड, चार चार दूनी 6 हो गई है, 6 मतलब जो ये जेड मिल गया, 6 मतलब sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन हो गया। जहाँ पर भी sp3 हाइब्रिडाइजेशन होता है तो मतलब उसका ऐसे हमको ये जियोमेट्री मिल जाती है, ऑक्टाहेड्रल जियोमेट्री, ऑक्टाहेड्रल जियोमेट्री हो जाती है, बराबर। शेप पूछा होता तो ये लोन पेयर को दबा देते, यहाँ लोन पेयर होते हैं, रिपल्सन मिनिमम हो इसलिए सामने सामने रहते हैं, वो एक ऊपर का प्लेन में होता है एक नीचे होता है, इसीलिए रिपल्शन मिनिमम होता है। ऐसे अगर हमको पूछते शेप तो इसको दबा देते और शेप पूछते तो ये हो जाता है स्क्वायर प्लानर शेप हो जाता है। जियोमेट्री पूछी है तो ऑक्टाहेड्रल जियोमेट्री कैसी हो जाती है, ऑक्टाहेड्रल जियोमेट्री मतलब लोन पेयर और बॉन्डिंग पेयर इलेक्ट्रॉन्स कहाँ पर है, और शेप मतलब ओनली सिग्मा बॉन्ड की बात करेंगे, मतलब बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कहाँ है, लोन पेयर को हटा देने का है। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज हाईएस्ट लैटाइस एनर्जी एंड व्हाई, यस हाईएस्ट लैटाइस एनर्जी, बराबर है। तो आप लोग हाईएस्ट लैटाइस एनर्जी कहाँ पर ज्यादा होती है, तो आयोनिक कैरेक्टर, आयोनिक कैरेक्टर ज्यादा, आयोनिक कैरेक्टर ज्यादा तो लैटाइस एनर्जी ज्यादा, लैटाइस एनर्जी ज्यादा होती है, वो सबको मालूम है। आयोनिक कैरेक्टर नहीं मालूम है तो कोवेलेंट कैरेक्टर निकाल लो फजान का रूल लगा के, उसका उल्टा आयोनिक कैरेक्टर होता है। फजान रूल मैंने जो आपको सिखाया था कोवेलेंट कैरेक्टर कैसे निकालते हैं, तो बराबर है। तो आयोनिक कैरेक्टर जिसका ज्यादा है तो कोवेलेंट कैरेक्टर सबसे कम हो जाएगा, मैंने दिखाया था नेगेटिव चार्ज, इसमें F- है Cl- Br- I-
बराबर है। आई माइनस की साइज सबसे ज़्यादा है, साइज सबसे ज़्यादा है तो कोवेलेंट कैरेक्टर इसका सबसे ज़्यादा आएगा। कोवेलेंट कैरेक्टर सबसे ज़्यादा है तो उसका आयोनिक कैरेक्टर सबसे कम आएगा, तो सबसे ज़्यादा आयोनिक कैरेक्टर CsF का आ जाएगा। CsF का आयोनिक कैरेक्टर ज़्यादा है तो उसके अंदर लेटाइस एनर्जी ज़्यादा, मतलब CsF के जो मोलेक्यूल होते हैं एक दूसरे को ज़्यादा पकड़ के रखते हैं। लेटाइस एनर्जी मतलब सॉलिड स्टेट में एक दूसरे को पकड़ना, इट इज कॉल्ड लेटाइस एनर्जी। फजान रूल से भी आप कर सकते हैं, बराबर। लेटाइस एनर्जी मतलब लेटाइस एनर्जी ज़्यादा मतलब बॉइल मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा होता है, एक दूसरे को सॉलिड स्टेट में पकड़ना वो इसको ही मेल्टिंग पॉइंट बोलते हैं। ये दोनों सेम होता है, लेटाइस एनर्जी बोलो मतलब इक्विवेलेंट होता है, मेल्टिंग पॉइंट के साथ आप उसको कोरिलेट कर सकते हो। व्हाट टाइप ऑफ बॉन्ड एग्जिस्ट इन मल्टीपल बॉन्ड्स, कोई भी मल्टीपल बॉन्ड होता है, डबल बॉन्ड हो गया तो एक सिग्मा होता है दूसरा पाई होता है, ट्रिपल बॉन्ड हो गया तो एक सिग्मा होता है दो पाई होते हैं। व्हाट टाइप ऑफ बॉन्ड एग्जिस्ट इन मल्टीपल बॉन्ड, मल्टीपल में पहला सिग्मा बनता है दूसरा जो भी बनता है वो पाई बनता है, मतलब कि सिग्मा भी होते हैं पाई भी होते हैं, बराबर। हाउ डू कोवेलेंट बॉन्ड्स फॉर्म ड्यू टू ऑर्बिटल ओवरलैपिंग, हमने जो थियरी पढ़ी थी हाइड्रोजन का एक मोलेक्यूल, सॉरी हाइड्रोजन का एक एटम है उसके अंदर एक इलेक्ट्रॉन है, दूसरा हाइड्रोजन है उसके अंदर भी एक इलेक्ट्रॉन है, दोनों का स्पिन अलग अलग है, ओपोजिट स्पिन के साथ घूम रहे हैं, तो दोनों पार्टनरशिप करते हैं, दोनों के एक एक की पार्टनरशिप कर लेते हैं और बॉन्ड बनाते हैं, उसको कोवेलेंट बॉन्ड बनते हैं। ये पार्टनरशिप हेड टू हेड भी बन सकती है और साइडवाइज भी बन सकती है, हेड टू हेड बनती है तो उसको सिग्मा बॉन्ड बोलते हैं और साइडवाइज बनती है तो उसको पाई बॉन्ड बोलते हैं। डिफाइन द बॉन्ड लेंथ, दो जो न्यूक्लियस होते हैं, दो एटम के जो दो न्यूक्लियस होते हैं इसके बीच में जो ये जो डिस्टेंस होता है, एवरेज डिस्टेंस बिटवीन द टू न्यूक्लियस ऑफ द टू एटम्स, उसको बोलते हैं बॉन्ड लेंथ। वो भी मिनिमम होनी चाहिए, जब सबसे नज़दीक आते हैं ना तभी बॉन्ड बनता है। सबसे नज़दीक कब होता है, जब बॉन्ड बना है बस, उससे बॉन्ड बनने या फिर दूर भी नहीं जाएंगे नज़दीक भी नहीं जाएंगे तो उसको बॉन्ड लेंथ बोलते हैं, मिनिमम डिस्टेंस होता है। इफ द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन ऑफ एलिमेंट, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन दी हुई है, ये 22 नंबर की है, स्कैंडियम टाइटेनियम की है, टाइटेनियम। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन दी हुई है, द फोर इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व इन द केमिकल बॉन्ड फॉर्मेशन विल बी, चार इलेक्ट्रॉन को जाना है तो सबसे पहले हमको मालूम है 4s के इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करते हैं, बाहर जाते हैं, फिर 3d वाले जाते हैं, चार चले गए, फिर ये तो अंदर का हो गए, अब ये बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्ट नहीं लेते हैं तो चार इलेक्ट्रॉन यही जाते हैं, जो सबसे बाहर होते हैं वो चार को भेज देना होता है, नथिंग एल्स। हाउ मैनी सिग्मा एंड पाई बॉन्ड्स आर देयर, सिग्मा बॉन्ड पाई बॉन्ड भाई आप गिन लेना आराम से, दो पाई बॉन्ड मुझे दिख रहे हैं, सिग्मा बॉन्ड आप गिन लेना, जो सबको आता है। लास्ट टू क्वेश्चन बचे हैं, आ जा भाई, ये बहुत गर्म हो गया बोर्ड, काम भी नहीं कर रहा है। और ये भाई मार्कोनिकोव को रूल समझाना है, बाकी खरास इफेक्ट समझा दो, एनसीईआरटी बुक में
दिया हुआ है, मैकेनिज्म पे समझाना है, बराबर है उस तो सबको मालूम है, एनसीईआरटी बुक में दिया हुआ है, वो सब वहीं से देख लेंगे। दूसरा लास्ट क्वेश्चन करते हैं, दिस इज लास्ट क्वेश्चन। बहुत गर्म हो गया है। तो फॉलोइंग डेटा गिवन, डाई नाइट्रोजन मतलब एन टू होता है, एन टू के साथ ऑक्सीजन जुड़ता है, तो डिफरेंट टाइप के ऑक्साइड मिलते हैं। 14 ग्राम के साथ 16 ग्राम भी ऑक्सीजन जुड़ सकता है, 32 भी जुड़ सकता है, 28 के साथ 32। तो इसको 28 28 नहीं लिखना है, तो आप 14 भी लिख लो, आधा कर लो, तो सबके 14 हो गए। इन दोनों को आधा किया तो इसको भी आधा वही था, तो देखो ऐसा 14 के साथ 16 जुड़ा, 14 के साथ 16 जुड़ा, मतलब ये डबल लिख के मतलब ऐसा बोलना चाहते हैं N2O4 होता है, NO2 गैस बना, N2O4 बना, हमें उसे कुछ लेना देना नहीं है। विच लो ऑफ केमिकल कॉम्पोजिशन, वो भी एक कौन सा केमिकल लो होता है, वो भी होता है। तीन लो आप पढ़े थे, उसमें से कौन सा लो आएगा? फिर आप इसका जो मल्टीपल लेते हैं, सबसे 16 से सबको आप डिवाइड कर लो तो 1 आएगा, इसको 16 से डिवाइड कर लो 2 आएगा, 16 से डिवाइड कर लो इसमें भी 2 ही आएगा, इसमें 16 तो 5 आएगा। तो मल्टीपल प्रोपोर्शन वाला जो रूल था, एक के साथ जो दूसरा जुड़ता है वो उसके मल्टीपल प्रोपोर्शन में होता है, वही रूल होता है, और उसको आपको स्टेटमेंट भी लिखना है। बाकी कुछ कन्वर्जन कर लो, 1 किलोमीटर को मिलीमीटर में कन्वर्ट कर लो, पिकोमीटर में कन्वर्ट कर लो, मिलीग्राम को किलोग्राम में, नैनोग्राम में कन्वर्ट कर लो, वो सबको आता है, बराबर है, वो आप कर लोगे ना भाई, क्योंकि ये एकदम फंडामेंटल बात है। ये भी सवाल पूछे थे, इजी थे, लेकिन पूछे थे, क्योंकि ये कन्वर्जन आपको आते हैं तो आपको न्यूमेरिकल्स में काम आते हैं, ये फंडामेंटल चीज होती है, इसलिए पूछी थी। ये लास्ट सवाल बचा है, लास्ट सवाल करते हैं, लास्ट सवाल कर लेते हैं, लास्ट ही था, उसमें और दिया हुआ था, उसका परसेंटेज आपको निकालना है भाई, कौन सा फॉर्मूला है, वो जो इसका था, कंपाउंड मेड अप टू टाइप्स ऑफ एलिमेंट्स एंड बी, ए का परसेंटेज दिया हुआ है 70%, बी 30%, ए का परसेंटेज दिया हुआ है 70, बी के परसेंटेज दिया हुआ है 30, देर ये रिलेटिव नंबर ऑफ मोल्स इन कंपाउंड आर, मोल्स दिए हुए हैं, मास परसेंटेज भी दिया हुआ है, टोटल 100 होते हैं उसमें से 70, टोटल 100 थे उसमें से 70 मास परसेंटेज दिए हुए हैं, एंड रिलेटिव नंबर ऑफ मोल्स भी दिए हुए, रिलेटिव नंबर ऑफ मोल्स। तो हम क्या करते थे, इसका जो भी वो होता था एटॉमिक मास 70, मान लो ये हाइड्रोजन था तो 1 से डिवाइड करते थे, इसका हमें पता नहीं है, लेकिन क्या होता है, एटॉमिक मास ऑफ ए, दिस इज व्हाट, एटॉमिक मास ऑफ ए, उसे डिवाइड करोगे तो कुछ आंसर आएगा। फिर इस सेम ऐसे ही बी के जो परसेंटेज दिए हुए है 30, उसका जो एटॉमिक मास होगा, एटॉमिक मास
से डिवाइड करेंगे तो कुछ आंसर मिलेगा। फिर दोनों का सिंपल प्रोपोर्शन भी लेते थे, बराबर है। अभी क्या किया है, रिलेटिव नंबर ऑफ मोल्स दिए हुए, रिलेटिव नंबर ऑफ मोल्स इसके कितने हैं, ये दिए हुए मतलब कैलकुलेट एटॉमिक मासेस ऑफ एलिमेंट्स ऑफ एन बी मोलेक्युलर फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड इफ इट्स मोलेक्युलर मास फाउंड 160। टोटल मास है, मोलेक्युलर मास दिया हुआ है 160। व्हाट वी हैव टू फाइंड आउट, कैलकुलेट एटॉमिक मासेस पहले तो फाइंड आउट करने हैं ए और बी के, एंड मोलेक्युलर फॉर्मूला भी फाइंड आउट करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या कर लेंगे, इसमें जो दिया हुआ है कि रिलेटिव ए और बी के जो रिलेटिव दिए हुए मोल्स 1.25 एंड दूसरा है 1.88, दो दिए हुए हैं। इसमें से एटॉमिक मास ऑफ ए निकाल लेंगे, यहाँ से एटॉमिक मास बी निकाल लेंगे, ये दोनों मिल गए। एटॉमिक मास दोनों के मिल जाते हैं हमको, कैलकुलेट एटॉमिक मास ए एंड बी मिल गए हैं। मोलेक्युलर फॉर्मूला भी कैसे निकालेंगे, पहले तो हमें वो निकालना पड़ेगा, इसका रेशियो ले लेंगे छोटे से सब, 1.25 डिवाइड बाय 1.25 तो 1 आ जाएगा, 1.88 डिवाइड बाय 1.25 छोटे से सबको डिवाइड करना होता है, कोई कितना 1.5 आ जाएगा अप्रोक्सीमेटली। तो ए 1 लिया तो बी कितना, डेढ़ मतलब दो गुना कर देते हैं, ए 2 बी 3 ऐसा भी लिख सकते हैं। अब इसका दोनों का एटॉमिक मास हमें मिल गया है तो इसमें रख सकते हैं, मोलेक्युलर फॉर्मूला और मोलेक्युलर मास 160 दिया हुआ है उसके साथ मैच कर जाए तो ठीक है, बाकी इसको बढ़ा भी सकते हैं, इसके साथ इसको डबल भी कर सकते हैं, ऐसा करो जिसके साथ मैच कर जाए वही आंसर होता है। इसका डबल किया, इसका तीन गुना भी कर सकते हैं, किसी के साथ भी ए और बी का जो मास है इसमें रखो और जो मास आ जाता है 160 जिसमें आंसर आ जाता है वो सही होता है। तो हमने पूरा डिस्कशन कर लिया, पूरा पेपर, सबका पेपर अच्छा रहा होगा, नेक्स्ट पेपर के लिए सबको बेस्ट ऑफ लक।